नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल समर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ में बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपको एक सिंपल साधारण टिप दिखाई जाएगी, इसके नियम से बोर्ड मार्क्स के नियम क्या कैसे लगता है ये क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्टिंग किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बोर्ड मार्क्स के नियम से है। सबसे पहले ब्रैकेट लेते हैं या इसको पहले शुद्ध भिन्न में लिख लें, जैसे ये हो जाएगा आपका 3 से 1/4 डिवाइड बाई, ये आपका छोटा क्वेश्चन है, लेकिन क्या हो जाएगा 4 के 9 से 8 5/7 माइनस 1/2। अब इसके बाद 2 × 4 = 5/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/7 - 1/6 ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आगे साथ करते हैं ब्रैकेट के अंदर के, जो भी आपके ब्रैकेट के अंदर संख्या अंक है उनको पहले हम साथ करेंगे। चले ये होगा आपका 3 से 1/4 भाग करना है आपका 5/4 - 1/2। अब उसके बाद देखिए 5/2 हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना है माइनस करके, ये आ जाएगा आपका 12। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। जब इसे हम साथ करेंगे आ जाएगा आपका 3 - 3 - 2 ब्रैकेट लगा दीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 13/4 डिवाइड करना है आपको 5/4 - 1/2। अब उसके बाद इसे साल करते हैं कितना आ जाएगा 5/2 - 3 में 2 जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा -5/12 ब्रैकेट में। अब उसके बाद चलते हैं इससे, ये आ जाएगा आपका 13/4 भाग करना है आपको 5/4 - 1/2। अब इसका फिर काम करते हैं तो 12/2 का एलसीएम कितना आएगा, 12/2 का एलसीएम कितना आएगा 12। जब इसे हम साल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 × 12 = 6 × 5 = 30 माइनस ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब उसके बाद हम नीचे स्पेस का भी कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 13/4 डिवाइड करना आपको 5/4 - 1/2 ब्रैकेट लगाइए 30 में से 5 कितना है 25/12 ब्रैकेट लगा दीजिए। ये आपका ब्रैकेट है मंजा ब्रैकेट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, क्या आ जाएगा 13/4 भाग के मंजे ब्रैकेट क्या हो जाएगा सोने में लिए, ये गुड़े में है इसके बाद जाएगा 5/4 माइनस 25 से 25 12 × 24 ब्रैकेट लगा दीजिए। अब उसके बाद यह जाएगा से 13/4 भाग करना है आपको 24/4 का एलसीएम कितना आएगा 24। जब से हम साल्व करेंगे कितना आएगा 30 - 29 30 - 29 कहाँ से आया, देखिए ये आपका 4 × 6 कितना होगा 4 × 6 = 24 हो जाएगा 4 × 6 कितना हो जाएगा 24 और 6 भाग 6 6 से 5 = 30 30 हो जाएगा माइनस कर लीजिए। अब उसके बाद 24 और 24 में एक बार डिवाइड कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 29 है ना 29 है, ये आ जाएगा आपका 24 और 24 में करेंगे कितना आ जाएगा 1 बार और 1 से 29 में 29 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 13/4 भाग करना है आपको 30 में से 29 में 1/24। अब उसके बाद ये ओपन करते हैं मंजा क्वेश्चन कितना हो जाएगा 13/4 भाग है, ये अगर इसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं गुणे का चिन्ह लग जाएगा कि संख्या पलट जाएगी पीछे की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। अब उसके बाद 4 × 6 = 24 4 × 6 = 24 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 13 × 6 = 78 ये आपका आंसर आ गया 78। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जिससे आने वाला अगला प्रश्न आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।